युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 11 दिसंबर 2019 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्दशी तिथि सुबह 10:49 तक रहेगी और उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:14 से लेकर 1:31 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें हानि हो सकती है, इसलिए इस समय पर आप किसी भी शुभ कार्य को करने से परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अपनी वाणी पर, अपनी जुबान पर संयम रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आज आपकी वाणी आपको विजय भी दिला सकती है और आज आपकी निंदा भी करवा सकती है। बस फर्क इतना ही है कि आप उस पर कितना कंट्रोल रखते हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आज नए लोगों से मिलते वक्त अत्यंत सावधानी बरतें। आज आपकी जुबान फिसलने से उन पर एक खराब फर्स्ट इंप्रेशन पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप अपने घर के लिए कुछ खरीदारी करने वाले थे तो अभी के लिए इस योजना को टाल दें, अभी इसके लिए समय शुभ नहीं है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करें और विशेष तौर पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान अभी खरीदने से परहेज करें। आपके घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा, जिससे आपका मन आज प्रसन्न रहेगा, परंतु स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। आज व्यवसायिक लोगों को हल्का फुल्का आर्थिक नुकसान भी होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज ऑफिस में संघर्ष या किसी सहकर्मी के साथ मनमुटाव होने के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आज सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। आज आपको प्रातःकाल उठकर काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपनी कार खरीदने का सपना जल्द से जल्द साकार करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आप यदि अपने जीवन में कर्ज के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, आप जितना भी कमाते हैं वो सभी आपकी ब्याज या प्रिंसिपल अमाउंट को ही चुकाने में खर्च हो जाता है, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपको जल्द ही अपने जो कर्ज है उससे मुक्ति मिलेगी। आज आप किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सम्मुख कुश के आसन पर विराजमान होकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करें, फिर जनेऊ का एक जोड़ा वाला चोला चढ़ाकर चमेली के तेल का दीपक, गुग्गर की धूपबत्ती व चंदन की अगरबत्ती समर्पित करें। उसके बाद पान के एक पत्ते पर थोड़ा सा शुद्ध मक्खन लगाकर पीले पुष्पों के साथ अर्पित करें। इसके बाद गुड़ चने का भोग लगाएं और कुछ पैसा आप भगवान जी को अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें। आप इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक बार ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें। जब ये कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद आप मंदिर के पंडित जी से प्रसाद स्वरूप में थोड़े से चने और गुड़ प्राप्त करें। घर लौटकर गुड़ चने को लाल वस्त्र में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। जब आपका एक कर्जा आपके सर से उतर जाए तो आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। निश्चित तौर पर यदि आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो जल्द से जल्द आपके जीवन में आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम जगमोहन है, मैं दिल्ली से रोहिणी से आया हूँ। मैंने गुरुजी के यूट्यूब पे इनके जो चैनल में इनकी चलती रहती हैं वीडियोस, तो उनको देख के मैं आया था इनके पास 2019 की मार्च में आया था। तो जो मेरी समस्या थी उनको उन्होंने सुना और उसके बारे में मेरे को बताया कि आप इस तरीके से ये राशि के रत्न जो आपकी परेशानी जो मैंने बताई थी उनके मुताबिक मेरे को जो इन्होंने पहनाया ये मेरे को अंगूठियाँ पहनाई और मेरे को जिस दिन से पहने कहने मतलब है कि उस मंथ के अप्रैल के बाद से मेरे को मेरे काम जो थोड़े रुके हुए थे और धीरे धीरे वो स्टार्टअप में आ गए मेरे पास। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जिस और किसी को भी अगर परेशानी या कुछ है तो बाबा जी से संपर्क करें और अपनी समस्या जो भी है वो जरूर पूरी होगी। एक बार शनि मंदिर में आके आप जरूर गुरु जी से मिले। आपका काम था पहले दुबई में काम था या बाद में शुरू हुआ है? हाँ, मैंने अपना काम सेल्फ अपना वहाँ पर क्विट में मेरा काम चालू अब किया है मैंने अपना। अब मैं आगे नया काम करने जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अब बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आगे तरक्की मेरे को बढ़ती मिलती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।